वेलकम टू बेस्ट किचन एंड कंपनी में प्रज्ञा। तो आज हम आए हमारे पातलडी फाटा के साइट पे, जहाँ पे हमने पूरा एक फंक्शनल डायरेक्टली फ्लोर टू सीलिंग हमने यहाँ पे टीवी यूनिट प्लान किया है, और किचन का भी हमने यहाँ पे टूर किया है, किचन का भी पूरा हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो आज चलिए, तो आज हम देखते हैं हमारा पूरा कंप्लीट वॉल टीवी यूनिट, और साथ ही साथ में हमारा जो फंक्शनल और एक्स्ट्रा स्टोरेज में जो हमने किचन किया है वो तो देखते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। पहले तो हम शुरुआत करते हैं हमारे टीवी यूनिट से। पहले तो हम एंटर करते हैं हमारे रूम में, जो पूरा लिविंग स्पेशियस फंक्शनल हमने यहाँ पे डेकोर किया है। यहाँ पे हमने जो टीवी पैनल का पूरा डिज़ाइन किया है वो फ्लोर टू सीलिंग हमने पूरा इसमें कवर किया है। तो देखते हैं, तो ये है हमारा पूरा टीवी यूनिट, जहाँ पे हमने यहाँ पे लूवर्स हमने प्रोवाइड किए, जो पूरे लूवर्स हमारे पीवीसी मटेरियल में डायरेक्टली हमने फ्लोर से हाफ साइज़ में भी हमने लूवर्स ऐड करके देखे। कुछ अलग हम इसमें डिज़ाइन कर सकते थे क्या, ये भी हमने यहाँ पे ट्राई किया। पहले तो यहाँ पे हमारा जो है 3D हम प्लान करते हैं, उसमें साइजेस डिज़ाइंस कलर है क्लाइंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज होते, जब उनका अप्रूवल आ जाता है तो फाइनल हम प्रोडक्शन के लिए पूरा प्रोडक्ट भेज देते। तो फर्स्टली हमने 3D में ये कन्फर्म किया कि हम किस टाइप में डिज़ाइन यहाँ पे सूट होगी। पहले तो हमने हाफ सेक्शन में लूवर्स देख लगा के देखे डिफरेंट टाइप्स के, देन बाद में हमने यहाँ पे कुछ लैमिनेट्स भी लगा कर देखे, बट ये पूरा इतना खास नहीं दिख रहा था। बट डायरेक्टली जब हमने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लोर टू सीलिंग तक जब हमने लूवर्स डिज़ाइन किए, इट्स लुक डिफरेंट एंड यूनिक एंड ब्यूटिफुल। कुछ लुक के लिए हमने यहाँ पे निश बॉक्स ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पे हम अपने आर्टिफैक्ट्स हो गए, कुछ ट्रॉफीज़ हो गए, वो सब यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। यहाँ के अंदर के साइड में हमने नॉर्मल से प्रोफाइल लाइट्स ऐड कर दिए, जिससे जो हम आर्टिफैक्ट्स रखेंगे उसका एक अलग लुक आएगा और वो उठ के आएंगे। बाद में हमने ये पूरा हाफ सेक्शन में टीवी पैनल लिया। हमने यहाँ पे ये भी ट्राई किया था कि हम पूरे हिस्से में हम लूवर्स ले सकते हैं क्या, बट टीवी पैनल का एक लुक आने के लिए हमने यहाँ पे एक मार्बल फिनिश में हाई ग्लोसी का लैमिनेट यहाँ पे हमने लगाया। बाद में यहाँ पे डिफरेंट कलर्स भी हमने ट्राई किए, बट इट्स नॉट लुक वेरी गुड। तो ये हमने यहाँ पे ट्राई किया तो ये गुड रिजल्ट में हमको मिला। बाद में इसको और एक अलग सा लुक लाने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ गोल्डन टी पट्टीज ऐड कर दिए। ऊपर के साइड में हमने नॉर्मल से दो पैनल्स ऐड कर दिए, जहाँ पे हम हमारे ट्रॉफीज़ हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, कुछ भी वहाँ पे हम रख सकते डेकोर के हिसाब से। और ऊपर के साइड में एक ब्यूटीफुल सा लुक आने के लिए वहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स ऐड कर दिए। तो ये टीवी पैनल हमने 4x3 में ऑर्गेनाइज किया। इसका गुड पर्पस क्या रहता है, जो हमारे टीवी जब हम लगाते हैं जो एक्स्ट्रा के वायर्स रहते वो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देते आउटर साइड में, जो पूरा वायर ऐसा कुछ अलग सा लुक्स आता है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देता। ये इसका गुड पर्पस रहता है कि जो वायर्स रहते हैं ये पूरे के पूरे अंदर के साइड में हिडन हो जाते हैं। बाद में यहाँ पे हमने LED लाइट्स प्रोवाइड किए, जो हमारा टीवी पैनल है ये पूरा उठ के आता है। नीचे के साइड में हम ये कर्व सेक्शन में एक पैनल ऐड किया है, यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स प्रोवाइड किए। घर का जो कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज होगा, कुछ मेडिसिन होगी, कुछ हमें मटेरियल रखना होगा तो इस ड्रॉवर में हम रख सकते। बाद में यहाँ पे हमने एक ब्लैक टिंटेड का शटर डाल के एक कैबिनेट बना दिया है, जहाँ पे हम अपना जो सेटअप बॉक्स रहता है वो वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिससे वो सिग्नल्स या सेटअप बॉक्स रहता है वो एक्सेस के लिए इजी हो जाता है। नीचे के साइड में हमने यहाँ पे सब लाइट्स पॉइंट दे दिए। पूरा टीवी पैनल, पूरा लिविंग का जो भी इलेक्ट्रिशियन का जो फंक्शनल होगा, इस लाइट पैनल में ये पूरा कवर हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। इधर के साइड में भी हमने पूरे लूवर्स प्रोवाइड कर दिए। पूरा स्टार्ट टू एंड एक ब्यूटीफुल सा इसको लुक आ जाता है।
और जो एक्स्ट्रा का जो प्रोफाइल लाइट्स रहते हैं जिससे और ये खूबसूरत लगता है, इसलिए एक्स्ट्रा के हमने प्रोफाइल लाइट्स भी इसमें ऐड कर दिए। और एक प्लस पॉइंट जो रहता है कि जब हम ये जो कर्व है इसको जब शार्पनेस में लेते हैं तो घर में बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, कोई भी होगा तो उनको ये शार्प लग सकते, तो इसलिए हमने ये इसको मोल्ड करके कवर शेप में हमने इसको डिज़ाइन किया है। जो पूरा ड्रॉवर है ये पूरा हैंगिंग सेक्शन में है, तो नीचे का जो क्लीनिंग का हमारा पर्पस रहता है वो भी हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो ये है हमारा पूरा टीवी यूनिट फ्लोर टू सीलिंग, आप देख सकते हैं। मोस्टली हम देखते हैं अंडर स्टेयर स्टोरेज जो जगह रहती है वो वेस्ट जाती है, नहीं तो वहाँ पे हम कुछ नॉर्मल शटर्स डाल के पूरा उसको कवर कर देते। तो यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन कर सकते हैं या डिज़ाइन पर्पस कर सकते हैं कि एक मल्टी फंक्शनल टेबल भी हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते। आपको स्टडी करना होगा तो स्टडी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, बाद में अगर घर में कुछ पूजा होगी, गणपति का सीजन होगा, गणपति बिठाना होगा तो आप यहाँ पे गणपति भी बिठा सकते हैं, कुछ और आपको फंक्शन करना होगा तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाद में हमने यहाँ पे एक ट्रे प्रोवाइड किया है, नीचे के साइड में नॉर्मल से दो कैबिनेट्स दिए हैं स्टोरेज के अकॉर्डिंग, एक्स्ट्रा का घर में जो स्टोरेज होगा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। साइड के साइड में यहाँ पे ड्रॉवर्स हमने प्रोवाइड किए, नीचे के साइड में और एक शटर डाल के स्टोरेज किए। अभी इस टेबल को एक लुक क्या लाता है, एक अलग सा लुक, यूनिक सा लुक क्या देता है, जो है ये बैक साइड का जो पूरा पैनल है सीएनसी कटिंग में हमने ये पूरी डिज़ाइन ली है। पीछे की साइड में एक्रेलिक का शीट हमने प्रोवाइड किया है, उसमें एलईडी लाइट्स फिक्स किए जो मल्टीपल कलर्स से फंक्शनल होते हैं। साइड के पैनल में पार्टीशंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मैनमेड ब्लॉक्स प्रोवाइड किए जो पार्टीशन का पर्पस भी क्लियर हो जाता है और टेबल को एक कवर साइड भी मिल जाती है। तो चलिए करते हैं हमारा किचन का टूर। पहले तो ये है हमारा एल शेप का किचन। पहले तो हमने 3D में यहाँ पे किचन के ट्रॉलीज फिक्स किए, बाद में ऊपर के साइड में हम कितने कैबिनेट्स ले सकते हैं वो फिक्स किया, जो हमें लॉफ्ट मिला था बिल्डर के अकॉर्डिंग वो भी हमने उसको हम क्या कर सकते हैं वो भी हमने 3D में फिक्स किया। बाद में यहाँ पे स्टोरेज भी हमने प्रोवाइड किए, नीचे के साइड में ब्यूटीफुल सा एक मंदिर का डेकोर भी हमने कर दिया। तो देखते हैं पूरा हमने टूर कैसा किया है, मतलब पूरा हमने कैसा ऑर्गेनाइज किया है वो देखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं किचन से। हमें पूरा ये 9x5 फीट में हमें किचन मिला एल शेप का। यहाँ पे कुकिंग का जो हॉब है उसके नीचे के साइड में जो हमारी 5 नेसेसरी पहले तो बास्केट्स रहती हम वो ऑर्गेनाइज करते। पहले तो ये कटलरी सेक्शन, नीचे के साइड में 2 प्लेन बास्केट्स आ गई, यहाँ पे कप सॉसर और यहाँ पे थाली सेक्शन और ये SPO पुल आउट। एक्स्ट्रा स्टोरेज था तो वहाँ पे नॉर्मल सा शटर डाल के वहाँ पे हमने कवर कर दिया। ऊपर के साइड में हमने पूरे कैबिनेट्स किए, वहाँ पे हमने वुडन और ग्लास के साथ हमने इसका कॉम्बिनेशन किया है। अंदर के साइड में हमने शेल्फ्स ऑर्गेनाइज किए और ऊपर के साइड में हमने प्रोफाइल लाइट्स ऐड कर दिए। चिमनी का ऊपर का जो पोर्शन है वो पूरा कवर करने के लिए एक फुल प्लेन में हमने हाइड्रोलिक पंप के साथ शटर्स प्रोवाइड कर दिए, तो वो पूरा थीम के साथ मैच हो जाता है। और RO सेक्शन के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा शटर डाल के वो भी हमने कवर कर दिया। ऑलरेडी हमें लेंटल लॉफ्ट मिला था तो उसको सिर्फ हमने थीम को मैच करते हुए व्हाइट और ग्रीन, डार्क ग्रीन शेड में हमने शटर्स डाल के वो भी पूरा लॉफ्ट हमने कवर कर दिया। यहाँ पे भी हमने एक नॉर्मल सा कैबिनेट्स देके वो भी कवर कर दिया। ऑलरेडी हमें यहाँ पे कड़प्पा रैक थी, यहाँ पे कड़प्पा रैक मिली थी जहाँ पे हमने कुछ हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते थे,
कुछ हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे नॉर्मली थीम को मैच करते हुए शटर्स डाल के हमने ये पूरा कवर कर दिया। वन फीट की हमने डेप्थ लेते हुए उस मंदिर को हमने वुडन और ग्लास के शेड में हमने उसको पूरा ऑर्गेनाइज किया है। पीछे के साइड में ओम का सीएनसी कटिंग लेते हुए बैक साइड में हमने एक्रेलिक शीट्स प्रोवाइड किए, ऊपर के साइड में हमने रेड कलर का प्रोफाइल लाइट्स ऐड किए, बाद में जो एक्रेलिक शीट है वहाँ पे हमने एलईडी लाइट्स प्रोफाइल लाइट्स प्रोवाइड करके उसको एक ब्यूटीफुल सा डेकोर में कन्वर्ट किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस रखने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा की जगह नहीं थी, तो मैम ने हमें यहाँ पे सजेस्ट किया और हमने भी उनको एक आइडिया दी कि आप यहाँ पे एक फोल्डेबल डाइनिंग टेबल ले सकते हैं जो 18x18 के साइज में कस्टमाइज हो सकता है। वहाँ पे हम अपना जो OTG का जो पर्पज़ है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ऊपर के साइड में जो हमारे छोटे डब्बेज रहते उसके लिए हमने यहाँ पे कैबिनेट्स प्रोवाइड किए। नॉर्मल से इसको वुडन और ग्लास का कॉम्बिनेशन करके विथ सॉफ्ट क्लोजिंग हिंचेस के साथ हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। बाजू के साइड में यहाँ पे भी हमने एक फोल्डेबल डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे जो इनका पर्पस रहता है, जो चॉपिंग रहेगा, अगर कुछ इनको चाय वगैरह पीनी होगी तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है, देख सकते हैं। तो इस टाइप में हमने पूरा एक हमारा किचन का जो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल रहे, जो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल बन पाए, जिससे हम एक्स्ट्रा स्टोरेज हमें मिले, ऐसा पूरा हमने एक किचन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए देखते हैं मटेरियल जो हमने पूरा जो फर्नीचर किया है, जो टीवी यूनिट किया है वो किस मटेरियल में किया है। जो पूरा वुडन का जो काम है वो पूरा हमने 710 ग्रेड का प्लाई हमने यूज़ किया है। बाद में जो पूरे लूवर्स आ गए वो पूरे हमने PVC मटेरियल में हमने लूवर्स लिए। ये जो लैमिनेट है ये पूरा हाई ग्लोसी मार्बल फिनिश में लैमिनेट्स आ गया, और ये गोल्डन टी पट्टी। तो हमने यहाँ पे देखा लिविंग रूम में फ्लोर टू सीलिंग जो पूरा हम डिज़ाइन कैसे प्लान कर सकते हैं। तो आपको भी आपके घर में ऐसा ही डिज़ाइन प्लान करना होगा, तो और कुछ अलग से आइडिया आपको डिज़ाइन करनी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।